अच्छा, लास्ट वीडियो तक तो हम लोग वेरनस की बात कर रहे थे। वेरनस का हमने एंडोस्केलेटन को देखा था, आज हम देखने वाले वॉल का एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन ऑफ फाउल, फाउल का मतलब होता है मुर्गा, ठीक है ना। गैलस भी बोल सकते थे, गैलस होता है जंगली मुर्गा, ठीक है ना। तो एक्चुअल में इसको समझने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग बनाते हैं। ये क्या हो जाएगी, सर्वाइकल वर्टिब्रीज। ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे, सर्वाइकल वर्टिब्रीज। और सर्वाइकल वर्टिब्रीज के आगे पाया जाएगा इसका फोर लिम जो होता है, ह्यूमरस की हेल्प से जुड़ता है। इसमें पेक्टोरल गर्डल आके क्या होती है, एडजस्ट होती है। क्या हो, पेक्टोरल गर्ड ला करके क्या होती है, एडजस्ट ये क्या हो जाएगा इसका स्टर्नम, जो कि इसकी रिप्स को, साथ ही साथ जो इसके विंग्स होते हैं, या कह सकते हैं हम लोग फोर फोर लिम्ब होता है, इसको हेल्प करता है। ये क्या हो जाएंगे इसके कॉडल वर्टिब्रीज। लास्ट में पाया जाता है पाइगो स्टाइल, ठीक है ना। ये जो लंबा चोंचनुमा स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या हो जाएगी, पाइगो स्टाइल के रूप में। पाई जाएगी फेलेंजर्स हो जाएंगे साथ में, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे, फेलेंजर्स हो जाएंगे। ऊपर की तरफ हम लोग क्या बना देते हैं, ऊपर की तरफ हम लोग टीबिया फिबुला बना देते हैं, अभी सॉरी रेडियस अल्ना बना देते हैं।
ये क्या हो जाएगी, इसकी फर्स्ट डिजिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फर्स्ट डिजिट हो जाएगी, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट, ये साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा, मेटा कार्पल। तो एक बार इसके क्या लिख देते हैं, हम लोग नाम लिख लेते हैं पहले एक बार, ठीक है ना, पहले एक बार क्या लिख लेते हैं, इसके नाम लिख लेते हैं। बड़ा अच्छा सा मुर्गा बन चुका है फिलहाल आपके लिए, ये हो जाएगा निज़ल, ठीक है ना। एक्चुअल में इसको थोड़ा सा और बांट देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा स्कल वाला पार्ट, ठीक है ना, स्कल वाला पार्ट, ओके। ये क्रेनियल, ठीक है ना, क्रेनियल अंदर का जो भाग है ये हो जाएगा ऑर्बिट, क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल बोल सकते हैं इसको, जो कि ऑक्सिपिटल, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पाई जाती है फर्स्ट वर्टिब्रेज, से हम लोग बोलते हैं एटलस, क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। सेकंड भी यहीं पाई जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सिस वर्टिब्री, क्या बोलते हैं, एक्सिस वर्टिब्री बोला जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये हो जाएंगी सर्वाइकल वर्टिब्रीज, सर्वाइकल वर्टिब्री ग्रीवा कशेरुक, क्या हो जाएंगी, ग्रीवा कशेरुक हो जाएंगी। साथ ही साथ जो नीचे वाला है जो कि क्या कर रहा है, बीक बनाने का काम कर रहा है, ठीक है ना, ये हो जाएगा जो लोअर जॉ के रूप में मैंडिबल पाया जाए, ठीक है ना। ऊपर की जो तरफ जो आगे का नुकीला भाग है वो बनाएगा किसका, प्री मैगजिला का, मैगजिला जो होता है ऊपरी जबड़ा होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैगजिला, और मैगजिला के आगे का भाग जो होता है, ठीक है ना, इसे हम लोग बोलते हैं प्री मैगजिला, और ये वाला जो रीजन है ये कहलाएगा मैगजिला, क्या कहलाएगा, मैगजिला रीजन कहलाएगा, ठीक है ना। ये हो गई सर्वाइकल वर्टिब्री हो जाएंगी। साथ ही साथ में इसमें क्या पाई जाती हैं, ये क्या पाई जाती हैं, रिप्स पाई जाती हैं, कंकाल के लिए क्या पाई जाती हैं, रिप्स पाई जाती है। साथ ही साथ ये एक चोंचनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं फर्कुला, जो कि इसको उड़ने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना, फर्कुला जो कि इसको उड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। साथ ही साथ नीचे की तरफ पाया जा रहा है स्टर्नम, क्या पाया जा रहा है, स्टर्नम पाया जा रहा है। ये हो जाएंगी फैलेंजर्स, फैलेंजर्स, ठीक है ना, ये भी हो जाएगी फैलेंजर्स, ठीक है। ये वाली जो हड्डी है इसे हम लोग बोल सकते हैं टॉर्सो मेटा टार्सल, क्योंकि इसमें टार्सल्स तो क्या होती है, हमेशा एब्सेंट पाई जाती हैं, टार्सल्स क्या होती है, इसमें हमेशा एब्सेंट पाई जाती है, ये हो जाएगी टॉर्सो मेटा टार्सस, ठीक है ना, टॉर्सो मेटा टार्सस। ऊपर की तरफ क्या पाई जाएगी, टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला, ये हो जाएगी फीमर, क्या हो जाएगी, फीमर, ओके। साथ ही साथ यहाँ पे पाई जाएगी प्यूबिस, जो कि क्या होती है, पेल्विक गर्डल का एक पार्ट होता है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ पाई जाएगी हमेशा क्या, इशियम, क्या पाई जाएगी, इशियम पाई जाएगी। ये वाला जो रीजन दिख रहा है, ये ब्लैंक स्पेस है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर फोरामेन, जो कि क्या करता है, इलियम इशियम को सहायता को मजबूत बनाने का काम करता है, ऑर्बिटरेट फोरामेन, ऑर्बिटरेट फोरामेन। लास्ट वाला पार्ट को हमने बोला है पाइगो स्टाइल, क्या बोला है, पाइगो स्टाइल। साथ ही साथ इसमें क्या पाई जा रही है, यहाँ पे कॉर्डल, वर्टिब्री, क्या पाई जा रही है, कॉर्डल वर्टिब्री पाई जा रही है, ठीक है ना। ये पूरी बड़ी अस्थि के रूप में क्या पाया जा रहा है, इलियम पाया जा रहा है, जो कि पेल्विक गर्डल का क्या होता है, भाग होता है, क्या होता है, पेल्विक गर्डल का भाग होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक हमने कुछ ब्रैकेट के रूप में बनाए, यहाँ इसको बोलते हैं हम लोग
फ्यूज्ड मोरेसिक वर्टिब्री जो कि क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्यूज्ड मोजेक वर्टिब्री। क्या बोलते हैं? फ्यूज्ड मोडेक मोजेक वर्टिब्री। ये हो जाएंगी रेडियस अल्ना, क्या हो जाएंगी? रेडियस अल्ना, ठीक है ना। ये हो जाएगी फर्स्ट डिजिट, ये हो जाएगी क्या? फर्स्ट डिजिट हो जाएगी। ये हो जाएंगी कार्पल, क्या हो जाएंगी? कार्पल्स हो जाएंगी, या कार्पल्स कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगी सेकंड डिजिट, ये हो जाएगी थर्ड डिजिट, थर्ड डिजिट, ओके। उसके नीचे की तरफ पाया जा रहा है मेटाकार्पल्स, मेटा कार्पल्स इसके नीचे की तरफ पाए जा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से क्या पाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा एक फॉल का, एक पूरा का पूरा फॉल का क्या पाया जा रहा है, एक स्केलेटन पाया जा रहा है, ठीक है ना। स्केलेटन पाया जा रहा है। इसमें एक बार और देख लेते हैं उन लोग क्या क्या किया है हमने। हमने एक फॉल का स्केलेटन बनाया जो कि क्या है, एबीज वर्ग के अंतर्गत आता है, जो कि क्या करता है, एबीज वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, हमने प्री मैक्सिला और मैक्सिला और मैंडिबल मिलके आपस में क्या हो जाते हैं, थोड़े जॉइंटेड होते हैं, जॉइंटेड पाए जाते हैं, और एक चोंचनुमा संरचना मतलब एक बीक की तरह के स्ट्रक्चर्स को निर्मित कर लेते हैं। ये आगे से क्या होती है, नुकीली पाई जाती है, स्ट्रीम लाइट पाई जाती है, धारा रेखित पाई जाती है, ठीक है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं, जो इसका अंतकंकाल की हम लोग बात कर रहे हैं, अंतकंकाल क्या होता है, इसका खोखला पाया जाता है, होलो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? होलो पाया जाता है। क्यों? ये एक प्रकार का अनुकूलन होता है, ये किसी भी पक्षी को उड़ने के लिए एक प्रकार का क्या होता है, अनुकूलन होता है। साथ ही साथ जो इसकी चोंच होती है, ये भी क्या होती है, अनुकूलित होती है इसके उड़ने के लिए। उड़ने के लिए इनमें जो फोर लिम्स होते हैं, ये किस रूप में, पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, किसमें, पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। साथ ही साथ जो पेक्टोरल गर्डल होती है, इनको मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है। पेक्टोरल गर्डल पेल्विक गर्डल के साथ क्या होती है, स्टर्नम की सहायता से आपस में जुड़ी हुई पाई जाती है, स्टर्नम की सहायता से आपस में जुड़ी हुई पाई जाएगी। स्टर्नम जो होगा वो कठोर होगा, मजबूत होगा, स्टर्नम जो होगा ये कठोर पाया जाएगा और मजबूत पाया जाएगा, ठीक है ना, ओके। बीच में सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या क्या होगी, हमेशा ज़्यादा पाई जाएगी। सर्वाइकल वर्टिब्रीज की संख्या क्या होगी, हमेशा ज़्यादा पाई जाएगी, ओके। इलियम, इशियम और प्यूबिस मिलकर क्या बनाते हैं, एसिटाबुलम का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कि क्या होता है, फीमर आकर जुड़ती है, जिसमें क्या होता है, फीमर आकर क्या होती है, जुड़ती है। और ये आपस में क्या होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत अस्थि होती है, क्योंकि एक जो जीव है पूरा का पूरा भार इन्हीं अस्थियों पर होता है, ओके। साथ ही साथ इसमें बॉडी के बैलेंस के लिए, उड़ते समय बॉडी के बैलेंस के लिए पाइगो स्टाइल पाई जाती है, जो कि किसी जीव को बैलेंस बनाने का काम करती है, किसी जीव को बैलेंस बनाने का काम करती है, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्री क्या आती है, इसमें बाद में आती है, इसमें रिप्स पाई जाती हैं, रिप्स जितने भी इसके लंग्स कह सकते हैं या हार्ट कह सकते हैं, इनको क्या करते हैं, सुरक्षित रखने का कार्य करती है। साथ ही साथ रिप्स की मौजूदगी इसे उड़ने में सहायता करती है, रिप्स की मौजूदगी करती है इसे उड़ने में सहायता करती है, ठीक है, ओके। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री के रूप में एटलस पाया जाता है, ठीक है ना, जो कि क्या होती है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाएगी, किसके रूप में, रिंग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाएगी, ठीक है ना। और स्कल वाले पार्ट में हम लोग इस प्रकार से देख सकते थे, ऑक्सीपिटल पाए जाए, और जो इसकी जो मस्तिष्क कोष होता है, ब्रेन सैक होता है, इसके अंदर बड़ी क्या पाई जाएगी, पैराइटल और फ्रंटल पाई जाए, बड़ी क्या पाई जाएगी, लेकिन जॉइंटेड होती हैं दोनों की दोनों अस्थियाँ, क्या होती हैं, जॉइंटेड कंडीशन में पाई जाती है, पैराइटल और फ्रंटल, फ्रंटल और पैराइटल क्या होती है, दोनों अस्थियाँ
आपस में जुड़ी हुई या युग्मित पाई जाती है, ठीक है ना। साथ ही साथ इसको बोल सकते हैं हम लोग कंकाल, जो इसका स्केलेटन होता है, सॉरी स्कल होता है, जो कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, साथ ही साथ हल्का होता है। अस्थियों के लिए हमने बोल ही लिया, खोखली पाई जाएंगी, स्पॉन्जियम पाई जाएंगी, ठीक है ना। एक अस्थि किसी दूसरी अस्थि से क्या होती है, युग्मित पाई जाती है। क्या होती है, युग्मित पाई जाती है, ठीक है। साथ ही साथ जो हमने आई ऑर्बिट बनाया है, नेजल चैम्बर बनाया है, इसको इस प्रकार से, इसके पास में, इसके सामने की तरफ क्या होती है, एक लैक्रिमल ग्लैंड पाई जाती है, लैक्रिमल बोन पाई जाती है, इसकी सहायता से क्या, लैक्रिमल ग्लैंड जुड़ी हुई पाई जाए, ठीक है ना। लैक्रिमल ग्लैंड क्या हो, जुड़ी हुई पाई जाए। ऊपरी जबड़े में प्री मैक्सिला और मैक्सिला पाए जाते हैं, ठीक है ना। दोनों मैक्सिलाएँ क्या होती हैं, विकसित पाई जाती हैं और जुड़कर क्या बनाएंगी, आपस में चोंच का निर्माण करेंगी। इसका निर्माण, चोंच का निर्माण करेगी, तो इसको इस प्रकार से कह सकते थे, स्कल वाला पार्ट हो गया। हम मोस्टली तीन पार्ट्स में क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है ये पेल्विक पेक्टोरल गर्डिल प्लस पेल्विक गर्डिल वाला भाग, इन दोनों को मिलाकर हम, ठीक है ना, इन दोनों को मिलाकर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं और साथ ही साथ हम लोग वर्टिब्रीज से वर्टिब्री का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम लोग तीन तरह से क्या करते हैं, इसको बांटते, फर्स्ट होता है स्कल, सेकंड होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, थर्ड होता है वर्टिब्री। थर्ड क्या होता है, वर्टिब्री होता है। सेकेंड जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी, इसमें हम लोग स्कल को और बाकी के अपेंडिकुलर स्केलेटन और वर्टिब्री को देखेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।